इन सेम फैशन वी कैन मेक अ प्रिडिक्शन फॉर मर्करी ऑल्सो. तो आपको पता है कि मर्करी इज अ कारक फॉर स्पीच. अग वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, ठीक है, तो क्या दे सकता है? What is that you can predict out of that if Mercury is in the first house? So Mercury का मैं feature पता है. Mercury shows your business acumen, your technical acumen. It shows your acumen ability, your quotient. तो अगर first house में बैठा है, अगर वो afflicted नहीं है, तो it will make you a very good अच्छा वक्ता भी बनाता है. क्यों? क्योंकि काल पुरुष कुंडली में मर्करी थर्ड हाउस का मालिक भी होता है. तो थर्ड हाउस जो उपदेश का होता है, जेमिनी साइन का होता है, जेमिनी साइन इटसेल्फ इज अ कम्युनिकेशन साइन. तो आप किसी का भी मर्करी फर्स्ट हाउस में देखते हैं, यू कैन प्रेडिक्ट दैट ही इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर. स्पीकिंग एबिलिटी उनकी अच्छी है अगर उसमें अफ्लिक्शन नहीं है तो मर्करी में. वरना वही मर्करी अगर फर्स्ट हाउस में है और एरी साइन में है, तो वो अफ्लिक्शन हुआ तो दो कारण हो सकते हैं. या तो वो बहुत उसकी जो स्पीच होगी वो बहुत हार्श होगी, और अफ्लिक्शन नहीं है तो वो स्पीच बहुत बहुत सॉफ्ट होगी. क्योंकि एरी साइन फायरी साइन है, तो उसमें मर्करी आएगा तो आपको थोड़ा हार्श स्पीच दे सकता है वो. और यही अगर मर्करी क्योंकि हमने बोला जैसे ये स्पीच को डिनोट करता है, तो अगर सेकंड हाउस में अफ्लिक्शन होगा तो ऐसा बच्चा स्टैमरिंग भी करेगा. जब आप चार्ट देखेंगे तो आपने देखा फर्स्ट हाउस में मर्करी बैठा हुआ है, तो बिफोर यू मेक एनी प्रिडिक्शन यू नो दैट ओके इट्स अ थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस. तो काल पुरुष कुंडली में थर्ड एंड सिक्स्थ का मालिक मर्करी होता है, तो आप देख सकते हो कि छठा घर बीमारी का होता है, ऋण का होता है, डिस्प्यूट का होता है. तो आप सोच सकते हो कि शायद इस जातक की कुंडली में अभी कोई ऐसा योग चल रहा हो, या तो लोन चल रहा होगा, ठीक है, या इसको कोई स्पीच में दिक्कत होगी, स्टैमरिंग की कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होगी. क्योंकि मर्करी आल्सो शोज स्टैमरिंग. सर स्टैमरिंग किससे देखते हैं? सेकंड हाउस से. सेकंड हाउस और मर्करी सेकंड हाउस. ऑलवेज इज ऑलवेज यू हैव टू सी द कारकत्व व्हिच इज मर्करी. तो मर्करी पे अफ्लिक्शन देखेंगे, और अगर है तो श्योर शॉट आप बोल देंगे कि स्टैमरिंग हो, यू नो देयर इज इन द चार्ट. तो सर मेरे पास एक चार्ट है जो स्टैमरिंग करता है पर्सन. और एक चीज और, मर्करी का जो स्टैमरिंग मैंने बताया, तो मर्करी को तो देखा ही देखा हमने, सेकंड हाउस भी देखा. मर्करी से सेकंड हाउस भी देखेंगे. मान लो मर्करी आपका, मान लो आपका वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, चाहे राशि कोई भी हो, तो आप देखो सेकंड हाउस में अफ्लिक्शन है क्या, मर्करी पे अफ्लिक्शन है क्या. आपको दो पता चल गया कि हाँ अफ्लिक्शन है, तो आप देखो मर्करी से सेकंड हाउस जो है क्या उसमें अफ्लिक्शन है. क्यों मर्करी से सेकंड हाउस देख रहे हैं? बिकॉज मर्करी इज द कारक फॉर स्पीच. तो हम मर्करी को बनाएंगे फर्स्ट हाउस, मानकर चलेंगे यू नो कि वो फर्स्ट हाउस है उसके लिए. बेशक वो 10th में बैठा है, उससे सेकंड हाउस बोलने का होता है, स्पीच का होता है. हमने देखा हाँ वहां पे एक फायरी प्लैनेट है और वहां पे कुछ अफ्लिक्शन भी है, तो हमें पता चलेगा कि हाँ स्टैमरिंग है. आप जो चार्ट मुझे बोल रहे हैं सर, ये रिपीट करिए ना सर. जैसे मर्क्यूरी बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, उससे 10th कैसे आप देंगे अपने? नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया कि मर्क्यूरी थोड़ा सा मैं एडवांस चला गया. अगर मर्क्यूरी में फर्स्ट हाउस में जो मैंने बताया है कि एरी साइन है या कोई सा भी साइन फर्स्ट में, मैं बोल रहा हूँ मर्क्यूरी को हम उठा के चलो डाल देते हैं किसी भी हाउस में जिसमें आपको लगता है वो बेस्ट होगा. हमने कहा हमने उसे थर्ड में डाल दिया, चलो उसके खुद की राशि में डाल दिया, जेमिनी में डाल दिया, तब भी मैं बोल रहा हूँ उसको अफ्लिक्शन आ सकता है. और मर्करी से तब दूसरा घर देखो आप क्या है, तो चौथे घर में देखो कोई अफ्लिक्शन है चौथे घर को, तो आपको पता चलेगा हाँ अफ्लिक्शन है, तो मतलब दैट पर्सन मस्ट बी स्टैमरिंग, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम. वो मतलब उसके सोचने का आपको और बोलने का तरीका पता चल जाएगा कि वो क्या कैसे बोलता होगा. वो साइन देख के प्लैनेट देख के आप पता लगा सकते हैं. आपने चौथा क्यों पकड़ा, मर्करी से चौथा क्यों पकड़ा? कोई बात नहीं, मैं आप जो मुझे चार्ट देंगे चलो उसको देख लेंगे बाद में. मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ. जो मैंने बताया ये अभी इस स्लाइड में वही है कि मर्करी काल पुरुष कुंडली में थर्ड और सिक्स्थ हाउस का मालिक होके अगर फर्स्ट हाउस में बैठे इन एरीज साइन, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ एंड डिसीज इन लाइफ and you know legal matters in life and one second
okay, problem with maternal uncle, something like that. So these predictive principle will come in handy when you will know, okay, these are the karakatv and how to map karpurush kundli. So aapko pata chal jayega ki kaise predict karna hai. So ab main ek chart dekhta hu ki agar mujhe kuch aisa mile jisme hum kuch change.